हैं, हमारे साथ सुनीता जी खड़े हैं जिनका शिक्षा विभाग में 22 साल का अनुभव है। मैं जानना चाहूँगा मैम आपसे कि क्विज क्लब शिक्षा विभाग का एक नया कॉन्सेप्ट है, नया विषय लेकर शिक्षा विभाग विद्यालयों में आया है और आज आपको प्राथमिक क्विज सचिव के तौर पर ट्रेनिंग दी गई, तो इस क्विज क्लब के जरिए क्विज को बच्चों तक हम पहुंचाने में और इसका शिक्षा विभाग के साथ साथ बच्चों को क्या लाभ रहेगा, उस दिशा में आपका क्या कहना है? इनका जी बहुत अच्छा लाभ रहेगा बच्चों को, बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, उनमें उत्साह भी होगा कि हमारा क्विज में फर्स्ट नंबर आया है सेकंड आया है, उसमें वो बच्चे बहुत अच्छा फील करेंगे भी, कुछ उनको नया सीखने का मिलेगा ना जी बार बार। ओके, तो टीचर भी बहुत वो रहेंगे सतर्क भी, वैसे उसमें जो ये जॉयफुल डे था ये हमारा वेस्ट जाता था। ओके ओके, उसमें तो इसका मतलब आपका कहना है कि अब जो जॉयफुल एक्टिविटी डे हम मनाएंगे तो वो क्विज क्लब के जरिए उसको प्रभावी हम बना पाएंगे। बहुत ठीक है, ठीक है। तो अब हाँ, हमारे साथ मैम है जिन्हें आज प्राथमिक कक्षा क्विज के तौर पर ट्रेनिंग दी गई। मैम आप इस को प्राथमिक स्तर पर यही हो कितना इसे हम बच्चों को लाभ दे पाएंगे और बच्चे इस नई पहल को स्वीकार करने में कितना सक्षम रहेंगे या उनकी रुचि कैसी रहेगी? सर बच्चों का इसमें बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है, पढ़ाई के लेवल में भी, जैसे पिछले सप्ताह हमने करवाया तो बच्चे बार बार पूछ रहे कि मैडम अगला क्विज कॉन्टेस्ट कब होगा, तो बच्चों का इसमें अपने पढ़ाई के लेवल में भी और छोटे क्वेश्चन ढूंढने में भी उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है। ओके ओके, ठीक है मैम। एक क्विज बैंक विभाग की वेबसाइट पर डाला गया, तो उस विभाग की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन बैंक डाला गया है वो कितना कारगर रहेगा क्विज को करवाने में, या उसके साथ साथ क्या अध्यापक भी अपनी तरफ से क्वेश्चन बैंक तैयार करने में रुचि लेंगे? क्वेश्चंस जो है ना वो बच्चों को ही इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाए कि बच्चे खुद एराइज करें क्वेश्चंस। ओके, दैट इज गुड, ठीक है। वो तो ठीक है, हमें हेल्प बुक्स भी मिल जाती हैं जैसे हमारे पास उनके पास है, बट अगर बच्चे खुद बनाते हैं तो इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू।